हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ओरिजिन सीरीज। और ये ओरिजिन सीरीज है मून नाइट की, जिसे माना जाता है कि वो कॉपी है बैटमैन की। तो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है, और इसके लिए हमें जानना पड़ेगा उसका ओरिजिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्क स्पेक्टर यानी कि अल्टर ईगो मून नाइट का, वो पैदा हुआ शिकागो में, और वो बड़ा होने के साथ साथ एक हेवीवेट बॉक्सर बन चुका था, और उसने यूएस आर्मी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन सिर्फ एक मर्सनरी बनने के लिए उसने यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री छोड़ दी, और उसी के साथ वो एक आदमी के साथ दोस्ती कर बैठा, जिसका नाम था फ्रेंची, जो कि एक फ्रेंच पायलट था। ये दोस्ती उस दौरान हुई जब वो अफ्रीकन मर्सनरी राहुल बुशमैन के लिए काम करता था, जिसने इजिप्ट में जाकर एक आर्कियोलॉजिकल टीम को मार गिराया, और उनमें एक डॉक्टर थे पीटर एलरोन नाम के, और उनकी बेटी मर्लिन भी थी। और उन्होंने खोज निकाला था एक एंशियंट टेम्पल, जहाँ पर बहुत पुराने आर्टिफैक्ट्स रखे थे, और उनमें शामिल था इजिप्शियन मून गॉड खोंसू का स्टैचू। और ये सब सामान लूटने के बाद उसने डॉक्टर एलरन को मार दिया, और इसके जवाब में स्पेक्टर ने उसे चैलेंज किया पर्सनल कॉम्बैट के लिए, लेकिन बुशमन ने उसे बड़ी ही आसानी से हरा दिया, और उसे इजिप्ट के डेजर्ट में मरने के लिए छोड़ दिया। कुछ इजिप्शियंस जो कि एंशियंट गॉड की पूजा करते थे, उन्हें स्पेक्टर मिला बहुत ही बुरी हालत में, और वो तब मिला जब उसकी कुछ चंद सांसें बची हुई थी। तब उन्होंने उसे खोंसू के स्टैचू के सामने लेटा दिया, और तब खोंसू ने उसे एक विजन दिखाया, और स्पेक्टर को ऑफर किया सेकंड चांस उसकी जिंदगी वापस देकर, इस बदले में कि वो धरती पर गॉड का अवतार बनकर काम करेगा। जब स्पेक्टर जागा तब उसने सिल्वर श्राउड जो कि खोंसू के स्टैचू के ऊपर था वो लपेट लिया, और बुशमन के सामने जाकर खड़ा हो गया, और बुशमन को हरा कर वो अमेरिका वापस आ गया मर्लिन, फ्रेंची और स्टैचू ऑफ खोंसू के साथ। और उसने ये तय किया कि वो क्राइम फाइटर बनेगा, और स्पेक्टर ने एक सिल्वर क्लॉकड कॉस्ट्यूम डिजाइन किया जो कि बेस्ड था सिल्वर श्राउड पर, और वो बन गया मून नाइट, जो कि था द फिस्ट ऑफ खोंसू। और जब वो यूनाइटेड स्टेट्स लौटा तब स्पेक्टर ने अपने सारे पैसे जो कि उसने इकट्ठा किए थे अपनी मर्सिनरी स्किल्स से, वो उसने एक स्मॉल फॉर्चून डेवलप करने में लगा दिए, और उसने अपने मर्सिनरी पास्ट को भुलाने के लिए एक नई आइडेंटिटी क्रिएट की, जो कि थी एक मिलियनियर की, जो था स्टीवन ग्रांट्स। और उसने लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए, और साथ ही साथ वहाँ पर हो रहे क्रिमिनल एक्टिविटीज को जानने के लिए एक टैक्सी कैब ड्राइवर की आइडेंटिटी क्रिएट की, जो कि थी जैक लोकली की। और वो खुद यानी कि मार्क स्पेक्टर, ऐसे उसने तीन आइडेंटिटीज क्रिएट की। फर्स्ट अपीयरेंस में एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन द कमिटी मार्क स्पेक्टर को मून नाइट के नाम पर उसके कॉस्ट्यूम्स और वेपन्स सिल्वर यूज करके प्रोवाइड करती है, ताकि वो जैक रसल को मार सके, और वो जैक रसल को लॉस एंजलिस में पकड़ लेता है जो कि था वेयरवुल्फ, लेकिन वो उसे फ्री भी कर देता है और कमिटी के काम में रुकावट पैदा करता है। वो लड़ चुका है कॉन्कर लॉर्ड से, उसने स्पाइडरमैन के साथ टीम बनाकर साइक्लोन को हरा दिया है। वो लड़ चुका है लुपिनर से, उसके ब्रदर रैंडल से। राइटर चार्ली हस्टन ने 2006 में मून नाइट को रिलॉन्च किया, ये बताने के लिए कि बैटमैन और मून नाइट एक जैसे नहीं है। ये उन्होंने कॉमिक्स फैन के एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, जहां पर एक इंटरव्यूअर ने ये नोटिस किया था कि दोनों के कंपैरिजन में उनका ओरिजिन बेसलेस नहीं है, बल्कि लगभग सेम है। दोनों ही नॉर्मल ह्यूमंस है, और दोनों ही क्राइम फाइटिंग के लिए गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और दोनों ही अमीर है। तब हस्टन ने ये एक्सेप्ट किया कि दोनों कैरेक्टर्स की बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, लेकिन अगर हम डीप में सोचे तो उन दोनों में भी काफी डिफरेंस है। जहाँ तक देखा जाए कि ब्रूस वेन कहता है कि वो क्राइम फाइटर बना क्योंकि उसे अपने माता पिता के मर्डर का बदला लेना था, जहाँ पर मून नाइट इसके अलग इसलिए क्राइम फाइटर बना ताकि वो इजिप्शियन गॉड को सर्व कर सके, और अपने किए गए पापों को यानी कि जब वो मर्सिनरी था तब जिन लोगों को उसने मारा उसके बदले में पश्चाताप करने के लिए वो क्राइम फाइटर बन चुका था। बैटमैन मोटिवेट हुआ एक मर्डर के कारण, और मार्क स्पेक्टर मोटिवेट हुआ एक गॉड के कारण। अगर देखा जाए तो इजिप्शियन गॉड ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। जहां तक बैटमैन का सवाल है, उसके पास सिर्फ एक अल्टर ईगो है जो है ब्रूस वेन का, लेकिन अगर देखा जाए तो मून नाइट के पास तीन तीन अल्टर ईगोज है जो कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज के लिए है और डिफरेंट कामों के लिए, तो वो दोनों ही लगभग अलग हो जाते हैं इस वजह से। तो
तो अब बात करते हैं उसके पावर्स के बारे में। वो एक एक्सपर्ट पायलट है। अपने दोस्त फ्रेंच की मदद से और जब वो यूएसए आर्मी में था तब वो एक एक्सपर्ट पायलट बन चुका था। एक्सपर्ट डिटेक्टिव। स्पेक्टर एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव है। वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है बहुत अच्छे स्किल्स और नॉलेज के साथ। वो अच्छी तरह से क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड को जानता है और कैब ड्राइवर होने की वजह से उसे न्यूयॉर्क के सारे रास्ते पता है। इंट्रोगेशन एक्सपर्ट। वो एक इंट्रोगेशन एक्सपर्ट है। जब वो मिलिट्री के लिए काम कर रहा था तब पुलिस के सीक्रेट मेथड्स टॉर्चर करने के उसे पता लग चुके थे। मास्टर मास्कमैन। वो कैपेबल है किसी भी तरह के हथियार को एम करके शूट करने के लिए। उसकी एक्यूरेसी इतनी है कि वो एक पिन पॉइंट को भी शूट कर सकता है और वो एक एक्सीलेंट शार्प शूटर और मार्क्समैन है। वो एक बुलेट को अपने क्रसेंट डिस्क के साथ आधा काट सकता है। वेपन मास्टर्स। स्पेक्टर एक बहुत ही अच्छा वेपनिस्ट है। वो कई तरह के स्वॉर्ड्स और कई तरह के कॉम्बैट नाइफ्स चला सकता है जिसमें शामिल है बैटन्स, चेन्स, ब्रास नकल्स, शुरेकिंस, बोलोज, बूमरैंग्स। वो अच्छी तरह से फायरआर्म भी चला सकता है जिसमें है पिस्टल्स, स्नाइपर राइफल्स, ऑटोमेटिक अजुल्ट राइफल्स, सब मशीन गन्स, ग्रेनाइट लॉन्चर, एंटी टैंक बजूका और इलेक्ट्रॉनिक रिमोट फायरिंग स्टेशन जो कि 20 या 30 mm एंटी एयरक्राफ्ट फुल ऑटो चेन गन है। मैकेनाइज्ड मोटर्स, मिसाइल लॉन्चर्स। एक आदमी बहुत कुछ चला लेता है। वो मास्टर मार्शल आर्टिस्ट है। स्पेक्टर एक हैवी वेट बॉक्सर है और इस वजह से वो कमांडो ट्रेनिंग से गुजर चुका है। इसी के साथ वो स्किल्ड है बहुत सारी और मार्शल आर्ट्स में जिसमें से है बॉक्सिंग, जूडो, क्रियोमागा, टैम, सेवाटे, स्क्रीमा, कराटे, माउथाई और कुंफू। पेन रेजिस्टेंस। पागलपन की वजह से और उसका टॉर्चर स्पिरिचुअली गिफ्टेड होने की वजह से वो खुद के लिए एक पेन रेजिस्टेंस तैयार कर लेता है। बहुत सालों में मूननाइट के बॉडी में बहुत सारे जगह पर चोट आई है, इस वजह से वो पेन से बहुत ही इम्यून हो चुका है या फिर पेन उसके शरीर के लिए एक अहम हिस्सा बन चुका है। और इस बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि टास्कमास्टर, जो कि किसी के भी फाइटिंग स्टाइल्स कॉपी करने के लिए जाना जाता है, वो मूननाइट की फाइटिंग स्किल्स इसलिए कॉपी नहीं कर पाता क्योंकि मूननाइट का एक अपना अलग ही तरीका है, क्या कहे, उसका एक अलग ही पागलपन है। वो किसी भी पंच को ब्लॉक करने के बजाय उसे अपने ऊपर लेता है। ऐसा वो क्यों करता है ये तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक उसके पेन रेजिस्टेंस का सवाल है, वो शायद इसलिए करता होगा कि उसे उसकी आदत हो चुकी होगी। अगली पावर है टेलीपैथिक रेजिस्टेंस। स्पेक्टर के मल्टीपल पर्सनैलिटी की वजह से वो किसी भी टेलीपैथिक अटैक को या फिर साइकिक अटैक को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। अब बात करते हैं मून नाइट के वीकनेस के बारे में। उसकी एक ही वीकनेस है और वो है ब्रेन डैमेज। जब पहले पहले मार्क अपने डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से गुजर रहा था तब उसे ये पता चला कि जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज उसने अपनी लाइफ में क्रिएट की है वो असल में कोसिक्वेंस है खोंशु के अवतार के। देखा जाए तो खोंशु के चार एस्पेक्ट्स है जो कि है पाथफाइंडर, एम्ब्रेसर, डिफेंडर और वॉचर, जिसका मतलब है एक खोजबीन करने वाला, दूसरा ग्रहण करने वाला, तीसरा रक्षा करने वाला और चौथा निगरानी करने वाला। और इन एस्पेक्ट्स का स्पेक्टर के पर्सनैलिटी पर बहुत गहरा असर पड़ा। स्पेक्टर्स ने जो पर्सनैलिटीज क्रिएट की थी वो लगभग खोंशु के उन चार एस्पेक्ट जैसी ही थी। इस वजह से वो खोंशु के एसेंस में चली गई और मार्क का माइंड खोंशु ने कॉलोनाइज्ड कर लिया और उन डिफरेंट पर्सनैलिटीज के साथ अब वो किसी भी डैमेज को सहने के लिए लायक बन चुका था। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। तो कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ ये भी कमेंट करें कि अगले वीडियो में आपको किसका ओरिजिन चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ। धन्यवाद और जय हिंद।